2013 paper 6-2, Rory has 10 cards. 4 of the cards have a 3 printed on them and 6 of the cards have 4 printed on them. तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, कार्ड बना लेता हूँ ताकि आगे कन्फ्यूजन मेरी कम से कम हो जाए. 4 ऑफ द कार्ड्स, 4 कार्ड ऐसे हैं जिस पे प्रिंट क्या हुआ हुआ है, 3 प्रिंट हुआ हुआ है. ठीक है, ये आ गया भाई 3 प्रिंट वाला कार्ड. एंड 6 ऑफ द कार्ड्स, जो 6 कार्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑफ द कार्ड्स हैड 4 प्रिंटेड ऑन इट. तो इन सब पे 4 प्रिंट हुआ हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है आपके पास. ठीक है, he takes 3 cards at random without replacement and adds up the number on the cards. ठीक है, 3 कार्ड लिया, नंबर को ऐड कर दिया, मेक सेंस. शो दैट P, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 3 कार्ड इज 11. अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि 3 कार्ड पिक कर रहा है, ठीक है, तो 11 कब कब बनेगा? अगर मैं 3 को 3 दफा पिक कर लूंगा तो 9 बनेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो पहली बात है, ये हो सकता है 3 आए, 4 आए और 4 आए, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है. अब इसको ये ऐसे भी तो कर सकता है कि पहला 4 हो, फिर 3 हो और फिर 4 हो. ऐसा भी हो सकता है कि पहला 4 हो, फिर 4 हो और फिर 3 हो. तो इस तरह के और हमारे पास कितने ऑप्शंस आ सकते हैं? ख्याल ये कि हमारे पास इतने केसेस बनेंगे, ठीक है ना. अब हम एक को निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 केसेस बन रहे हैं हमारे पास. तो बेटा 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? पहला अगर 3 निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास, 3 आने हमारे पास कितने, 4, वो आएगा 4/10. दूसरा अगर 4 आएगा दैट विल बी 4 कितने, 6/9. और तीसरा भी अगर 4 आएगा दैट विल बी 5/8. और ऐसे हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं. तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 4 1s are 4 and 4 2s are 8. तो इसका फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, 1/2, जो कि आपको शो करना था, ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है जी, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट. अब आ जाएं सेकंड पार्ट पे. ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 3 कार्ड्स. ठीक है, तो अब पार्ट 2 के लिए मैं यहां पे बनाता हूं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं उस टेबल के ऊपर. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास x एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x. अब आप उस टेबल पर क्या क्या, मतलब उस पे नंबर क्या क्या आ सकते हैं, आप 3 कार्ड पिक कर रहे हैं तो 3 दफ़ा 3 आ जाएगा, तो 3, 6, 9, 9 हो सकता है मेरे पास, 9 आ सकता है. ठीक है, और क्या आ सकता है, 3, 3, 6 और 4, 10 आ सकता है मेरे पास. और क्या आ सकता है, अगर 4, 4, 8, 3, 11 आ सकता है मेरे पास. ठीक है, और अगर मेरे पास 4 आ जाए तो मेरे पास 12 आ सकता है. अच्छा, और कोई चीज़ तो नहीं आ सकती, 4+4+3, 4, 3, 3, 3, 3, 6, 4, 10, सही है, और मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं आ सकता. ठीक है, अब 9 कब कब आएगा हमारे पास? ठीक है, अब ज़रा हम देख रहे हैं, पार्ट 2 की वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ. देखिए, 9 आएगा जब मेरे पास 3 होंगे, तो मैं कहूँगा भाई पहला 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4/10. दूसरा 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 3/9. और तीसरा 3 आने की पॉसिबिलिटी है 2/8, यही है. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2, 4 और 8 गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/30. तो 9 आने की पॉसिबिलिटी तो हो गई आपके पास 1/30. हम आते हैं 10 के ऊपर, क्या 10 कब कब आ सकता है. चलेंगे अब देखें 10 कब कब आएगा. हमने 11 की तो निकाल ली ना, 11 हमारे पास 1/2 आ रहा है, तो 10 को नहीं देखता फिर मैं, 10 पे केसेस ज़्यादा बनेंगे, 12 को देखूंगा, क्योंकि 12 पे खाली एक केस बन रहा है. 12 पे केस क्या बन रहा है, अगर सब जगह 4 आ जाए तो पहला 4 आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 4 मेरे पास 6, दैट विल बी 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/8, ऐसे ही होगा ना. सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आएगा बेटा 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/6. तो 12 आने का चांस आ जाएगा 1/6. 10 के चूंकि केसेज ज़्यादा थे तो मैंने इसको ये प्रेफर किया कि मैं 1 में से सबको माइनस कर दूँ. तो 1 -1/30, -1/2 and -1/6. अब इजीली इसको हम निकाल सकते हैं, हमारे केसेस बचाने का टाइम जो होगा वो हमारा सेव हो जाएगा. सो 1/30 + 1/2 + 1/6, सबको आपने ऐड अप कर लिया और 1 में से इसको माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल 3/10.
तो ये जो आपका आंसर आया 3/10, दैट इज द पॉसिबिलिटी फॉर नंबर 10, 3/10। यहाँ पर आपका ये टेबल हो गया कंप्लीट। ऑलराइट, आगे देखते हैं हम। इवेंट आर, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द थ्री कार्ड इज 11। तो इवेंट आर, मेरे पास एक इवेंट आ रहा है। अच्छा, हम पार्ट थ्री की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इवेंट आर, एक इवेंट आ रहा है, और वो इवेंट आर क्या है कि जो सम होगा तीन कार्ड पर वो 11 होगा, ठीक है। ये इवेंट आर आ गया। इवन एस इज द नंबर ऑन द फर्स्ट कार्ड इज 3। अच्छा, एस क्या है? एस इज नंबर ऑन फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड पर आपके पास 11 हो, सॉरी 3 हो। ये आ गया इवेंट एस। डिटरमाइन वेदर इवेंट आर एंड एस आर इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारी कंडीशन क्या होती है? इंडिपेंडेंट का कहा है, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अच्छा भाई, अब पहली बात, पॉसिबिलिटी ऑफ आर हम निकाल चुके हैं, मतलब सम हमारे पास जो 11 था वो हम निकाल चुके हैं 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब फर्स्ट कार्ड पे आपके पास 3 हो। तो फर्स्ट कार्ड पे अगर मेरे पास 3 है तो बाकी दो कार्ड पे कुछ भी हो सकता है। क्या पता कि बाकी दो कार्ड पे भी 3 हो, ये केस बन सकता है। या फिर पहले कार्ड पे 3 है, फिर 3 आया, फिर 4 आया, ये बन सकता है। या फिर पहले कार्ड पे 3, फिर 4, फिर 3, ये भी हो सकता है। और कोई केस तो नहीं बनेगा, क्योंकि पहले कार्ड पे तो, अच्छा हाँ, एक और बनेगा ना, प्लस 3 हो, 4 हो और 4 हो, और कोई केस नहीं बनने वाला, ठीक है। तो अगर पहले पे आपके पास 3 होगा तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? इट विल बी 4/10 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे पे 3 होगा 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/8। ये आपका हो गया पहला केस, ये वाला, ठीक है। दूसरे केस पर आते हैं, प्लस, अगर पहले पे आएगा 3 तो 4/10, दूसरे पर आएगा 3/9, लेकिन तीसरे पर आ जाएगा 4, दैट विल बी 6/8। ये आ गया दूसरा केस, ठीक है। तीसरे केस पर आते हैं, प्लस, पहले पे 3 हो 4/10, दूसरे पे 4 हो 6/9, तीसरे पर भी 3 आ जाए तो ये आएगा 3/8। ये आ जाएगा आपका थर्ड केस। चौथे पर आइए, प्लस, पहले पे 3 हो 4/10, दूसरे पे 4 आ जाए 6/9, तीसरे पे फिर 4 आ जाए तो 5/8। ये सब हमारे पास जो है केसेस आ जाएंगे। इनको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अभी हमारे पास सेम है। तो इस चीज़ को हम कैश करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में वैसे लिख देंगे 10 × 9 × 8, एलसीएम से बच जाएंगे। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिख दें, 4 × 3 = 12, 2 = 24, प्लस 4 × 3 = 12, 6 = 72, प्लस 4 × 3 = 12, 6 = 72, प्लus 4 × 5 = 26 = 120। और इन सबको ऐड करके लिख दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 + 72 + 72 + 120, दैट इज 288, डिवाइडेड बाय 90 × 8 = 720। सो 288 डिवाइडेड बाय 720, इट इज़ इक्वल्स टू 2/5। तो ये आपका कौन सा इवेंट आया भाई? ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एस था, इट्स 2/5। अब आते हैं आर और एस पर, क्या मतलब हुआ कि सम 11 भी हो और स्टार्टिंग नंबर उसका 3 भी हो। तो आपके पास सम 11 हो और स्टार्टिंग नंबर उसका 3 हो, इसको हमने कहीं निकाला, इसका हमारे पास केस क्या बनेगा? अब अगर मैं वर्किंग करूं आर इंटरसेक्शन एस, अब ये क्या बता रहा है आपको? आर इंटरसेक्शन एस ही कह रहा है कि सम तो 11 होगा लेकिन पहला नंबर सिर्फ 3 होना चाहिए, तो उसका खाली एक केस बनेगा कि 3 हो और 4, नहीं, 3 के साथ 4 होना चाहिए ना, 3 हो, 4 हो और 4 हो, सिर्फ हमारे पास ये एक केस बनेगा इसका जब हमारा सम 11 आएगा और पहला नंबर मेरे पास 3 होगा। तो बेटा 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास? इट इज 3 आने की पॉसिबिलिटी है 4/10, ठीक है ना। 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 6/9, एक और 4 आएगा तो ये हो जाएगा 5/8। ये बन गया केसेस आपके। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो इस पूरे का जो आंसर आया, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो आपके पास ये आ गया 1/6। अब आपने देखना है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कैंसिल करूं मैं तो ये आएगा 1/6 इक्वल्स टू 1/5, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ऊपर आपने प्रूफ कर दिया कि आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आ रही है, तो
ये आपका आंसर है, वो आ गया था। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया कौन से पार्ट का, इट्स पार्ट थ्री। अब आ जाए भाई पार्ट फोर पर। पार्ट फोर क्या कह रहा है, डिफाइन योर आंसर। तो आप अगर एक्सक्लूसिव होगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस ये बराबर होनी चाहिए जीरो के, लेकिन आपके पास तो ये ऊपर आ रही है 1/6 जो कि बराबर नहीं है जीरो के। दैट मीन्स दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों इवेंट साथ में अकर कर रहे हैं, तभी तो आंसर 1/6 आ रहा था हमारे पास। बेटा ये इसका आंसर होगा।